गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एपिसोड नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग एंड द टॉपिक विच इज टू बी डिस्कस्ड आर मीन, मीडियन एंड मोड. सो नाउ फर्स्ट कमिंग टू द पॉइंट मीन. व्हाट इज मीन? मीन मीन्स एवरेज. सो व्हाट डू यू मीन बाय मीन? मीन मीन्स एवरेज. मीन मीन्स एवरेज. तो एवरेज को मीन कहते हैं एंड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थमेटिक एवरेज और अर्थमेटिक मीन. मीन इज ऑल्सो कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक एवरेज. अर्थमेटिक मीन और अर्थमेटिक एवरेज. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? सो मीन इज इक्वल टू, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वी विल हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम. सो मीन इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीन? Mean is equal to sum of all observations, divided by total number of observations. तो इसका मतलब क्या है? Mean क्या हुआ कि जो अगर हमको data दिए हुए हैं और उस डेटा के मान लिया 10 डेटा है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 हो गए और उन डेटा के सारे को सम कर लेंगे तो वो हो जाएगा सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस. सो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एंड व्हाट इज मीडियन? नेक्स्ट इज मीडियन. सो व्हाट इज मीडियन? मीडियन व्हेन द ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन ऑर्डर. इसमें क्या होता है कि हम मीडियन में सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो डेटा दिए होते हैं उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं. सो व्हेन द ऑब्जर्वेशंस, आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, मतलब ऑर्डर में अगर हम इनको अरेंज कर दें, मतलब इन दैट इज आइदर इन असेंडिंग और दैट इज इन असेंडिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देन द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा. देन द मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा. तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसकी जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है वो मीडियन कहलाती है. सो टेक, वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मीन. सो एग्जांपल ऑफ फॉर मीन, If the heights of 6 boys are 162, 176, 180, 182, 176 and 175. ये 6 boys की height दे रखी है और हमको बोला गया mean निकालिए. Find the mean height. So mean is equal to sum of all observations divided by number of observations. तो sum of all observations means we will add 162, 176, 180, 182, 178, 175, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो सबको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन से 6, तो डिवाइडेड बाय 6, तो मीन हाइट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 175.5.
So this will be the mean height. Now example for the median. Median को कैसे calculate करेंगे? मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज तो है कि हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे इसको. और देयर आर टू केसेस. केस फर्स्ट, व्हेन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड. हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डेटा जो दिया होगा उसमें काउंट करेंगे. वी विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. अगर इफ इट इज ऑड, तो अगर ऑड है देन व्हाट विल बी द मीडियन. देन मीडियन विल बी, ऑड के केस में मीडियन क्या होगा, एन प्लस वन बाई टूअथ टर्म, टूअथ ऑब्जर्वेशन. जो हमारा एन प्लस वन बाई टूअथ ऑब्जर्वेशन आएगा दैट विल बी द मीडियन. और इफ व्हेन द केस सेकंड, देयर इज अ केस सेकंड, केस सेकंड व्हेन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन. So now case second is when the total number of observation is even. अगर हम जो data दिए हुए हैं उसमें number of observations गिनेंगे और वो अगर even आता है, if n is equal to even, तब जो median निकालने का तरीका होगा तब होगा median is equal to this is n by 2th observation, n by 2th observation और प्लस n by 2 प्लस 1th observation. और इनका जो है वो दोनों को सम करके और उसका 2 से डिवाइड कर दें. तो ये होगा n by 2th observation प्लस n by 2 प्लस 1th observation डिवाइडेड बाई 2. दिस विल बी द मीडियन फॉर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इवन. सो नाउ नेक्स्ट इज मोड. सो व्हाट इज मोड? द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा दैट अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इज नोन एज मोड. तो किसी डेटा में जो ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है उसको मोड कहते हैं. अब अगर हम इसको एग्जांपल से समझें, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डेटा, यानी एक डेटा दिया हुआ है इसका हमको मोड निकालना है. तो मोड निकालने के लिए सबसे पहली चीज तो हम ये करेंगे कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं. सपोज वी आर arranging the data in ascending order. So the figure will be 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3 and 4, 5, 6. तो डेटा को जब हम देखेंगे तो डेटा देखने पे हमको लग रहा है कि 3 जो है वो 4 टाइम्स आया है और मैक्सिमम बार आया है. सो 3 इज द मोड. सो 3 इज द मोड क्यों? क्योंकि हियर 3 अकर्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली. हियर 3 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब कितनी बार आया है? 4 टाइम्स. तो बाकी डिजिट से ये सबसे ज्यादा बार आया है. तो इसका मोड कितना हो गया? 3. ये मोड होगा, ये मोड जो होगा वो नंबर, मतलब जो ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू होगी वो होगी. मोड इज इक्वल टू 3. दिस इज द आंसर. तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. मीडियन निकालने के लिए भी सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे. So now next point is range. So what is range? Range is the difference of the, what is range? Range is the difference of the largest
largest and smallest. Largest and smallest data observation. Smallest data observations. तो observations की जो largest value होती है या smallest value होती है और जो smallest value होती है दोनों के difference को range कहते हैं. अब example अगर लें कि अगर हमको range निकालनी है, कोई data दिया हुआ है कि range हमको find out करनी है और किसकी करनी है, ये एक डेटा दिया हुआ है 20, 10, 5, 35, 15, 90 and 20, इसकी हमको जो है वो रेंज निकालनी है. सो वी विल ऑब्जर्व दैट द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 5. फाइव इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड 35 इज द लार्जेस्ट वैल्यू. सो दिस इज स्मॉलेस्ट smallest and this is largest. So range क्या होगा? Range is equal to largest minus smallest and largest value is 35 and smallest observation is 5. So the answer is 30. So this is the answer. Now if we take the example for calculation of the mode, median. So now next point is example for calculation of median. कि median को हम given data अगर होगा तो median कैसे calculate करेंगे. तो उसके लिए दो cases बताए थे हमने कि when the number of observations odd है. अगर number of observations odd है, odd means 1, 3, 5, 7. So suppose the given data is 12, 14, 15, 17, 21, 24, 26, 27 and 30. So we will count the total number of observations, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So total number of observations is equal to 9. So 9 means total number of observations kya ho gaye? Total number of observations. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे हो गए 9 और 9 क्या होता है इवन सॉरी ऑड. 9 इज ऑड और ऑड के लिए मीडियन कैसे निकालते हैं. सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे किसमें. अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में. तो अगर इसको हम अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो क्योंकि ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में था तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने एज इट इज लिख दिया. अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हमको ये असेंडिंग ऑर्डर में वी विल हैव टू राइट इट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर. सो नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 9 व्हिच इज ऑड एंड फॉर ऑड मीडियन इज इक्वल टू median is equal to n plus 1 by 2th observation. This is the formula for calculation of median when the total number of observation is odd. So n plus, yahan 9 hai total number of observation. So 9 plus 1 by 2th observation and this is 10 by 2th observation and this is 5th observation and 5th or ab humko dekhna padega ki 5th observation kaun sa hai. So this is 1, 2, 3, 4, 5. 5th observation is 21. So answer is 21. Median is 21. So this is the answer. Median is 21. Answer is 21. Now when the number of observations is equal to even, अगर number of observations even है तो suppose the data givens are 12, 14, 15, 17, 21, 24, 26, 27.
और इसका हमको मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 जो है वो इवन है। और फिर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी इसमें गिवन है तो नो प्रॉब्लम, इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ द फॉर्मूला फॉर मीडियन इन केस ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू एन बाई टूअर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वन अर्थ ऑब्जर्वेशन और इन सब का डिवाइडेड बाई टू। तो इस केस में क्योंकि एन इज इक्वल टू 8 है जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 8 बाई टू मतलब फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 4 प्लस 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाय 2। अब हम देखेंगे कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है। सो 1, 2, 3, 4, फोर्थ इज 17, सो वी विल राइट 17 ओवर हियर। प्लस फिफ्थ कौन सा है, 21, सो वी विल राइट 21 ओवर हियर एंड डिवाइडेड बाय 2। नाउ 17 प्लस 21 इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 19। सो 19 इज द मीडियन, 19 इज द मीडियन सो दिस इज एंड ऑफ द टूडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।